1000 रुपए से जब ऊपर आता है ना कुछ, थोड़ा सा कांपने लगता है जिगरा, आदत नहीं है ना जिगरे को। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह ये है मेरे हाथ में काफल। तो खुद हम पहाड़ों की तरफ से आ रहे हैं लेकिन जो काफल है वो हमें यहाँ दिल्ली आके खाने को मिल रहे हैं। तो मेरी गुड मॉर्निंग तो बहुत ही गुड मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि बहुत मीठे मीठे काफल मेरे पास है। और काफल जिन्हें नहीं पता तो ये बेबेरीज होते हैं जो कि हिली एरियाज में मिलते हैं। तो अभी जरा मैं इन्हें निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी काफल। थैंक यू। दिल्ली में तक काफल पहुँच गए? यस, टक टक आटा कमला। चलो आम की चटनी चुटनी पूरियां परे, क्या ये सब प्लानिंग है? चलो आओ फटाफट, कम शो योर जलवा, टक टक आटा कमला, शो योर जलवा। गाइस, तो अपने वादे के अनुसार टक टक अटल कमला बना रही हैं गर्मा गर्म आलू वाली पूरी। और डर रही थी पहले कि इनका ये जो कहाँ गई ओह नीचे गिर गई थी, कम्मू नहीं, कम्मू का कुछ सामान। तो पूरी कैसा पूरी लग रहा है कि आपका जो ये काम है सक्सेसफुल हो गया है, जो आपने ट्रायल किया था? बहुत बढ़िया। अब वो तो खाने वाले खा के बताएंगे है ना कैसा बना है। वैसे बढ़िया दिख रही है, गर्मा गर्म फूल रही तो पूरी है, अच्छी करी है हमने। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, तो हमारी ये गर्मा गर्म पूरियां बन चुकी हैं और पीछे और बन रही हैं। और अब मैं जरा चाय बनाती हूँ, फिर से हम गर्मा गर्म चाय और पूरियां। तुम भी खाओगे? कितनी खाओगे? जितनी दम खिलाओगे वो खिलाओगे। नहीं, कल आपने से कल इसने आपको चाय पिलाई ना, तो आज आपको तो मुझे पता नहीं था कि मौसी इतनी सगोरमंद है। ये देखो गोल गोल बढ़िया सी बनाई है, यम्मी। सो अब सब खा चुके हैं और अब हम करेंगे इसका ट्रायल। और आफी बोल रहा हूँ, मस्त हो रहा है, बहुत मस्त हो रहा है। सो गाइस, बज चुके हैं शाम के 7:30 और दिन भर हम ऐसे ही टहल रहे थे, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर सो गए थे। तो अभी हमारा बहुत रैंडम प्लान बना है अचानक से ऐसे ही कि इंडिया गेट चलते हैं, क्योंकि समर्स में इस टाइम पे ही बाहर जाना ठीक रहता है। तो देखते हैं कि हमारा जो प्लान है कितना सक्सेसफुल होता है। तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और चलते हैं सीधा इंडिया गेट, वहाँ जाके आपको मिलते हैं। गाइस, प्लान में थोड़ा चेंज है, अब हम इंडिया गेट नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और हमने बहुत देर कर दी। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम सीपी तक जाते हैं और सीपी जाके देखते हैं कि इस वक्त हमें क्या मिल सकता है। बट मुझे लगता है यहाँ पे तो रात तक ही काफ़ी अच्छा माहौल रहता होगा और वैसे भी आज वीकेंड है तो रौनक तो होगी। तो चलिए सीपी चलते हैं, ठीक है? गाइस, आज वीकेंड होने की वजह से हमें कैब नहीं मिली है और हम जा रहे हैं ऑटो में, पर मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा इसमें। और आज एक नया फेस दिखाती हूँ मैं आपको ब्लॉग में। हाय गाइस, ये है लिक्की और स्नेहा भट्ट, इसको तो आप पहचानते ही हो। और अभी हम निकल पड़े हैं, तो हम लोग जा रहे हैं सीपी। और सीपी में हम सबसे पहले जाएंगे चटपट, जहाँ की मार्केट के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो आज हम उस मार्केट को भी एक्सप्लोर करते हैं। और अभी थोड़ा लाइट इशू हो रहा है क्योंकि हम ऑटो में हैं, तो चलिए चलिए हमारे साथ। क्या ओह, बहुत देर बाद अंकल आई से अब जला रहे हैं, मैंने पूरी बात बोली जी। यस, मतलब सुन तो लिया ही होगा। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं जनपद पे और अभी अंदर जाते हैं मार्केट में और देखते हैं यहाँ की मार्केट कैसी है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ का आसपास का एरिया कैसा है।
और दूसरा ट्राई कर, दूसरे ट्राई करो ना, वही वाला ले ले। सो गाइज अभी भी हम यहीं पे हैं और मार्केट तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुत रश है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, तो अभी जस्ट हम ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ शॉप करने नहीं आए, बट आश्वी ने अपने लिए थोड़ी बहुत छोटे छोटे शॉपिंग की है, तो अभी हम थोड़े यहीं पे टहलते हैं। उसके बाद हमारा प्लान है नैंडूज जाने का, और लंदन के बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया में नैंडूज ट्राई करने वाली हूँ, और फिर देखते हैं कि वहाँ के टेस्ट में नैंडूज के और यहाँ के टेस्ट में कितना फ़र्क है। तो अभी पहले हमें वो ढूंढना पड़ेगा, अब हमें ये तो पता चला है कि वो सिटी में, लेकिन सिटी में एग्जैक्ट कहाँ है वो अभी हम सर्च करेंगे और फिर जाते हैं नैंडूज। सो गाइस अब हम पैदल ही निकल चुके हैं ढूंढने नैंडूज को कि कहाँ पे होगा, वैसे हमें पता चला है वो यहीं कहीं आसपास ही है लोकेशन के हिसाब से, तो ढूंढते हैं अपनी नैंडूज डेस्टिनेशन और फिर नैंडूज में जाके आपसे मिलते हैं। सो हमें स्कूटरों से पता चला है कि उधर सामने की तरफ कहीं पे है, तो अभी रोड क्रॉस करते हैं, और यहाँ पे तो रोड क्रॉस करने में भी तो डर लगता है ना। इतना मिसलीड हो रहा है ना हम एड्रेस को लेके कि कहाँ पे है कहाँ पे है, कभी लेफ्ट जा रहे हैं कभी राइट जा रहे हैं, और अभी तक हमें मिला नहीं है, तो लेट्स सी कब तक मिलता है। गाइस फाइनली हमें मिल चुका है नैंडूज, और मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत भीड़ है आज। गाइस वेटिंग देख के तो लग रहा है कि काफ़ी भीड़ है, लेट्स सी सीट मिलती है नहीं। इस तो अभी हमें 20 मिनट्स वेट करने को बोला है क्योंकि बहुत वेटिंग चल रहा है, और ये जो सिमिलैरिटी है लंदन वाले में भी, जब भी हम जाते हैं ना तो वेट करने के लिए बोला जाता है कम से कम 30 या 35 मिनट का, और यहाँ भी बहुत रश है। देखते हैं 20 मिनट बाद हमारा नंबर आता है या नहीं, वैसे आ जाएगा क्योंकि हम लोग ज़्यादा नहीं है, हम लोग तीन लोग हैं, तो हमारी जो सिटिंग है वो हो जाएगी। सो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी हमारी सिटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो अभी हमें मेन्यू दे दिया गया है कि हमें मेन्यू चूज़ करना है, तब तक जब तक हमारी सिटिंग फाइनलाइज होगी तब तक हम मेन्यू चूज़ कर लेते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है। सो हम अपना ऑर्डर कर चुके हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं ना। हाँ, क्या क्या? उसको बहुत भूख लग रही है। सो हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है, हुम्मस एंड पीता, बाकी ऑर्डर का वेट कर रहे हैं हम। फाइनली हमारा जो प्लेटर है वो आ चुका है, हम इसे खाते हैं लास्ट में। तो हम सब अपना कोटा निपटा चुके हैं, लेकिन मैडम का भी चल रहा है, और मैडम को कितना टाइम लगने वाला है पता नहीं, और इसको तो खा के अब नींद भी आने लग गई है। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, देखते हैं अभी कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। अभी हम आइसक्रीम भी खाएंगे, आइसक्रीम के लिए जगह है, इतना खा लिया आपने? हाँ, जगह है अभी तक, वहाँ देखो उसको कितनी मेहनत, कितनी मेहनत लग रही है बेचारी को, खा खा मकाली खा खा। ये भाई सब तो पता नहीं किसको मैसेज करते रहते हैं दिन रात, पता नहीं कहाँ लगे रहते हैं, खाए पिए साइड हो गए, लग गए अपने मैसेज में। हाँ जी, कैसा था? काश काश उस अदर एंड पे कोई लड़की होती। काश। तो क्या होता है? ये सारे वो है, तगड़े है मेरे, क्या होते हैं जो मेरे साथ धंधे में हाथ बटाते हैं। गाइस इतना रश होने के बावजूद भी इनकी सर्विस ऑन टाइम है, एंड मील तो परफेक्ट है। सो अगर हम कंपेयर करें तो मतलब
स्प्लेंडर वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन इन्होंने भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो 9 out of 10। तो आज की जो ट्रीट है वो तेरी तरफ से है ना? ट्रीट तो मेरी तरफ से नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। नहीं बिल, मतलब बिल तेरा भाई देगा। बिल तो भाई देगा ना? आज तेरा भाई बिल पड़ेगा। भाई बेहोश तो नहीं होगा? पकड़ के तो कैसे जाएंगे भाई को? लेट्स सी, क्योंकि ठूस तो बहुत ज्यादा लिया। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। जिगरा है तेरा तरह इतना? जिगरा तो बहुत है, देखते हैं अभी। क्या 1000 रुपए से जब ऊपर आते ना कुछ, थोड़ा सा कांपने लगता है जिगरा। आदत नहीं है ना जिगरे को। अच्छा, तो इस जिगरे को संभालो, पिक्चर का भैया आ रहे बिल लेके, तो संभालो इस जिगरे को। देखते हैं भाई, देखते हैं। बिल आ गया, बिल आ चुका है। ठीक है, रुक जाना। क्या हुआ तेरे रंग को क्या हो रहा है? जा अभी भाई, रंग कहीं नहीं जा रहा, उड़ रहा है रंग, वही है अभी से। रुक जा, तेरा रंग क्यों उड़ रहा है? हेल्थी है थोड़ी। नहीं, तब तो जिगरे वाले थे, क्या हुआ? हेल्प की चाहिए। जिगरा है ना, पर जिगरे जिगरा काफ क्यों रहा है तुम्हारा? पॉकेट बाहर ही नहीं है। ये मेरी तरफ क्यों घुमा रहा आप इसे? मेरी तरफ क्यों घुमा रहे हो? माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई, बोल। मेरे मुंह से निकल गई। सो गाइस, आ गए हम नैंदू से बाहर और अब चलते हैं घर की तरफ। और मौसम भी वैसे काफी ठीक हो रहा है इस समय, हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया। तो अभी जरा आशी मैडम खानी आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला देखते हैं, आइसक्रीम लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी लेट भी हो गया और गर्मी इस वक्त इतनी नहीं है जितनी भी हो रही थी कुछ टाइम पहले दिल्ली में। कल की बारिश से थोड़ा फर्क पड़ा है, तो वी आर लकी एनफ कि अब मौसम थोड़ा घूमने लायक हो गया है यहाँ पे। तब से घूम रहे हैं हम आशवी के चक्कर में और इसको जो आइसक्रीम चाहिए वो मिल नहीं रही है। इसको पता नहीं क्या पॉपसिकल, पॉपसिकल पता नहीं क्या लेना है, तो पता नहीं वो कहाँ है आइसक्रीम वाला जो पॉपसिकल लेके घूम रहा है। तो देखते हैं कब तक मिलती है, फिर निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ को देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अभी 7-8 ही बज जाओगे, इतना रश है ना यहाँ पे अभी इस टाइम पे भी। गाइस, तो अब पहुँच चुके हैं हम घर और अब नेक्स्ट महाभारत है ये सीढ़ियाँ चढ़ना 3rd फ्लोर तक। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।